देखा जाए इसमें बेसिक ऑर्डर हमें पहचानना है कि इसमें बेसिक मतलब नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर है। सबसे पहली बात क्या होता है कि हम बेस किसे कहते हैं, तो बेस उसे कहते हैं द कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर, जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो और फॉर डोनेशन भी हो। फॉर डोनेशन, डोनेशन का मतलब यहाँ पे है मीन्स वो आसानी से प्रोटोनेशन कर ले। बेस उसे कह सकते हैं कि इसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो और वो डोनेशन के लिए इस्तेमाल करता हो, या कह सकते हो डोनेशन का मतलब होता है दैट शो द प्रोटोनेशन। हमें सेकेंड पार्ट ये देखना है कि लोन पेयर जो है फ्री होना चाहिए। अगर लोन पेयर फ्री है तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। अगर लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, अगर लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है, अगर लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ द रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी है, तो इसका मतलब होगा कि दैट लोन पेयर इज नॉट फ्री। इसे हम कह सकते हैं वीक बेस कहते हैं। इसको हमें चेक करना पड़ता है कि लोन पेयर रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, एरोमेटिसिटी में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये दो बातों को इम्पोर्टेंट मतलब मेनली चेक करना होता है, जिससे आप बता सकते हो कि इसमें अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इस्तेमाल हुआ या एरोमेटिसिटी में इस्तेमाल हुआ तो वीक बेस हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर तुम्हारे पास लोन पेयर एरोमेटिसिटी में यूज हो रहा हो और रेजोनेंस में, तो एरोमेटिसिटी वाला जो बेस होगा वो रेजोनेंस वाले से लोन पेयर से वीक बेस होगा, याद रखना। अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है और यहां पे लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है, तो जब लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट होता है तो उसे कहते हैं वीक बेस कहते हैं। अगर लोन पेयर यहां पे रेजोनेंस का पार्ट है तो वो बेस इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रांग बेस होता है। तो आइए देखा जाए यहां पे, तो यहां पे अगर हम पहले वाले को चेक करते हैं तो ये लोन पेयर को देखा जाए तो ये लोन पेयर है, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, फिर यहां पे ये जो कार्बन है दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये लोन पेयर जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द रेजोनेंस, दैट इज द पार्ट ऑफ रेजोनेंस, ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस का पार्ट है। इस लोन पेयर को चेक किया जाए तो ये लोन पेयर जो है अगर हम देखें तो इसका रेजोनेंस में ये हकल रूल के हिसाब से इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट है। हकल रूल के हिसाब से जो पाई बॉन्ड की संख्या जो होनी चाहिए 1 है 3 है 5 है 7 ऐसे पाई बॉन्ड होने चाहिए, जो कि यहाँ पे पाई बॉन्ड के नंबर्स जो है कंप्लीट है। तो ये लोन पेयर जो है हम कह सकते हैं कि ये एरोमेटिसिटी का भी पार्ट नहीं है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने वाला नहीं। और यहाँ पे जो ये लोन पेयर है अगर देखा जाए तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे ये जो कार्बन है उसके पास भी हमारे पास पाई बॉन्ड है, और ये लोन पेयर जो है यहाँ पे, तो लोन पेयर यूज एज द पाई बॉन्ड, और ये जो लोन पेयर है जो पाई बॉन्ड की तरह यूज हो रहा है दैट इज द पार्ट ऑफ द एरोमेटिसिटी, दैट इज द पार्ट ऑफ द एरोमेटिसिटी। ये लोन पेयर जो है वो जो पाई बॉन्ड की तरह इसको यूज कर सकते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द एरोमेटिसिटी हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है। एरोमेटिसिटी में क्या होता है कि हकल रूल के हिसाब से इनके पास जो पाई बॉन्ड होते हैं वो होना चाहिए 1 है 3 है 5 है 7 है, ये पाई बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है दैट इज द पार्ट ऑफ द एरोमेटिसिटी, ये लोन पेयर दैट इज द पार्ट ऑफ द रेजोनेंस, और ये ना एरोमेटिसिटी का पार्ट है ना रेजोनेंस का पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे वीक बेस जो है वो थर्ड है। फिर अगर हम चेक करें तो यहाँ पे फर्स्ट है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो नाइट्रोजन जो करेगा वो सेकंड नंबर का है। तो आप इसमें दोनों चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, रेजोनेंस को भी चेक कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी का भी यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लोन पेयर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये जो लोन पेयर है अगर प्रोटोनेशन कर भी लेगा तो ज्यादा वो प्रोटोनेशन करने के बाद भी स्टेबल होगा, कह सकते हैं हम उसको। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास है जो आप यूज कर सकते हैं या आप आसानी से समझ सकते हैं।